हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आईसीसी 50-50 वर्ल्ड कप 2023 के बाद राहुल द्रविड़ का हेड कोचिंग सफ़र ख़त्म हो रहा था, यानी बीसीसीआई की तरफ से उनका साल 2023 के वर्ल्ड कप तक की कॉन्ट्रैक्ट था। राहुल द्रविड़ ने बहुत ही ज़बरदस्त हेड कोचिंग की थी, लेकिन खबर निकल के आ रही है कि राहुल द्रविड़ आने वाले वक्त में भारत की तरफ से हेड कोचिंग नहीं बढ़ा सकते हैं। बताया जा रहा है कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी के हेड वीवीएस लक्ष्मण को हेड कोच के तौर पर लिया जा सकता है। अभी तक इस पे पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन बड़ी खबर निकल के आई है कि राहुल द्रविड़ हेड कोचिंग आगे नहीं करेंगे और यही समाप्त हो सकता है। आने वाले दिनों में पूरी तरह से इस पे कंफर्मेशन आ जाएगी। फिलहाल तो पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, लेकिन बड़ी खबर निकल के आ रही है कि राहुल द्रविड़ आने वाले समय में हेड कोचिंग करते हुए नहीं दिख सकते हैं। और खबर ये निकल के आ रही है कि वीवीएस लक्ष्मण, जो नेशनल क्रिकेट अकेडमी के हेड है, उनको बतौर हेड कोच के तौर पर भारत की तरफ से हेड कोचिंग की जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब आने वाले दिनों में इस पर और तफसील से खबर निकल के आएगी, लेकिन आने वाले समय में कंफर्म भी हो जाएगा। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर निकल के आ रही है कि राहुल द्रविड़ अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड नहीं करेंगे और वीवीएस लक्ष्मण को ही, जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी के हेड हैं, उनको हेड कोच की जिम्मेदारी दी जा सकती है। ये आने वाले दिनों में पूरी तरह से कन्फर्म